अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम आए हैं छोकरहुर्द, तो यहाँ पे अब चलते हैं छोकरहुर्द के लोगों से मिलते हैं, यहाँ का रहन सहन देखते हैं और यहाँ की मशहूर चीज़ें देखते हैं। तो चलो चलते हैं छोकरहुर्द की तरफ। चलिए अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है चाचू? टाटा ईमान सानी। अच्छा चाचू की नाम है, जरा कि नाम है छोकरहुर्द की, जरा हिस्ट्री तो दसवा दी, तारीख की है? छोकरहुर्द। पुत्र ने पाने ने फिर को रोटी खानी चार गाना नाल है काम जे दिहाड़ी सारी स्टार बाहर जाना लगे है तैयारी करन दुआ करो किथे जाना जे किथे जाना यूके जाना उथे जनाब फ्रेंडा ने मेरी उथे उन्हां कोल जाना नहीं यार, आज पता नहीं क्या थकावट थकावट सी महसूस हो रही है। चलना एक तो ज्यादा पायड है, ऊपर से कि ना मैं जरा दूर दूर चीजें सारी, तो अब हम आए हैं जरा पानी की कमी दूर करने यहाँ पे कि ना मैं गन्ने छिले, लेकिन इस बार तू छिलेगा थारे ठीक हो ठीक हो। जी हो जाकी चैन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मौलवी अब्बास। अच्छा अब्बास साहब का नाम है, ज़रा इसकी हिस्ट्री बता दें, अपने मदरसे की ये कब से तमीर हुआ और किन्होंने तमीर कराया? जी ये मदरसा बहुत पुराना है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 1867 में इसकी बुनियाद रखी गई, बल्कि 1870 में, और यहाँ के पहले बानी जो थे वो हाफज़ बदरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, ये बहुत बड़े आलिम थे और इन्होंने मौलाना उबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ा था और उनके पास जलालैन पढ़ी थी। ये मौलाना अहमद अली लाहौरी जो मुफस्सिर कुरान लाहौर के बहुत बड़े मशहूर आदमी, तो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, अल्लाह के वली थे, इमामुल औलिया उनको कहा जाता है, तो ये उनके साथ बैठ के यानी क्लास फेलो थे, उनके पास उन्होंने जो है ना वो मौलाना उबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह के पास पढ़ा था। उसके बाद उन्होंने अपने गाँव में आकर मेहनत की, पहले तो यहाँ बड़ा शिरक और बिदात और रसूमात थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा गांव छोकरहुर्द जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उन बुज़ुर्गों की मेहनत से आज अहले सुन्नत वल जमात देवबंद से मुंसलिक है और यहाँ कोई फसाद नहीं है, कोई फिरकावारियत नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल के यहाँ पर रह रहे हैं और हमारे साथजा की उलमा की बड़ी मेहनत है। उसके बाद जब हाफ़िज़ बदरुद्दीन साहब ने यहाँ मदरसे की बुनियाद रखी तो उस वक्त सिर्फ़ ये हिफ़्ज़ का मदरसा था, कुरान पाक हिफ़्ज़ करवाया जाता, नाजरा पढ़ाया जाता, और यहाँ हमारे गांव के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर है कि इस गांव के हर घर में एक हाफ़िज़ कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये उन बुज़ुर्गों की मेहनत है, वो वहाँ से पढ़ के आए और उन्होंने अपने गाँव में मेहनत की, और फिर उनके बेटे थे हाफ़िज़ नूर मोहम्मद साहब, हाफ़िज़ मोहम्मद रफ़ीक़ साहब और हाफ़िज़ मंजूर अहमद साहब, मौलाना ग़ुलाम अहमद साहब, ये इनके 6 बेटे थे जिनमें 5 आलिम थे, और उनके बाद हाफ़िज़ मंजूर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 50 साल कुरान पाक पढ़ाया और पूरे तकरीबन गुजरात नहीं बल्कि दुनिया में उनके शागिर्द हैं। بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
अच्छा जी, तो अभी हम यहाँ पर मदरसे की लाइब्रेरी में आए हैं। काफ़ी मशहूर किताबें के नाम यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो बाकी यहाँ पर भाई के नाम सबसे मशहूर ज़्यादा किताब कौन सी पढ़ी हुई है यहाँ पर? किताबें तो सही सित्ता की तकरीबन तमाम किताबें मौजूद हैं, बुखारी, तिर्मिज़ी और इसके अलावा जितनी भी सही सित्ता की हैं। और इसके साथ जो दूसरी किताब कंज़ुल उमाल, जो यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा हदीसें हैं, बुखारी से भी ज़्यादा हदीसें हैं, जिन जो मुसलमान और उनके पास किताब है, ये सबसे ज़्यादा यही किताब बड़ी किताब है जिसके अंदर जो है ना वो सबसे ज़्यादा हदीसें मौजूद हैं, कंज़ुल उमाल है। तमाम शाहे दो जहाँ के नाम में सलाम ही सलाम, लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहाँ के नाम में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना, मैं हुजूर का दीवाना, पढ़ून का तराना, गली गली गाम गाम, लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहाँ के नाम में सलाम ही सलाम। जर्रा जर्रा धरती का बोले झूम झूम के, जर्रा जर्रा धरती का बोले झूम झूम के, हूरे कहे आमीना का माथा चूम चूम के, हूरे कहे आमीना का माथा चूम चूम के, हो मुबारक ऐ माँ, हो मुबारक ऐ माँ, आज आया तेरे हाँ खुदा का खास इनाम, लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहाँ के नाम में सलाम ही सलाम। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्होंने दीनी तलीम के साथ साथ जनाब कंप्यूटराइज का नाम सिस्टम भी साथ रखा हुआ है। यहाँ पे दीनी तलीम के साथ साथ दुनियावी तलीम भी फराम की जाती है। यहाँ पे अच्छी किस्म के नाम है लैपटॉप कंप्यूटर्स अच्छे किस्म के मौजूद हैं, और एक नाम है टेबल भी इन्होंने सेट करके दिए हैं उन्होंने। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मदरसा हमने विज़िट किया। वालेकुम सलाम। की नाम है भाईजान? सदाकत अली। अच्छा, तानू बाबा बाबा क्यों कहने ने? उन जी ना पाया ने। अच्छा, तो की करदे हो आजकल के नाम है? पठे वडदे पेजे। पठे वडने किने सखाए ने? दादा बुने। अच्छा, किस उम्र च स्टार्ट कीते थी पठे वडने? पठे वडने किस उम्र च स्टार्ट कीते सन? ए निकांदा हो से निके जिदा। अच्छा, वडने शुरू। तो हुन ताडी उम्र की होगी? 14 साल। 14 साल तो तुसी पठे वडदे हो? स्कूल नहीं जांदे? नहीं। अच्छा जी, तो आज हम आए हुए थे छोकर हुर्द गांव में। तो जनाब काफ़ी अच्छा गांव है, काफ़ी मशहूर गांव है ये। एक नाम है हाफिज़ों के नाम से जाना जाता है ये गांव, क्योंकि यहाँ पे हर घर में एक हाफिज़ मौजूद है, जो कि एक नाम है हाफिज़ नूर अहमद साहब की के नाम है। उनके मेहनत से, उनकी के नाम है एक जो सा व्यू पॉइंट उन्होंने गाँव वालों को दिया, उनकी मेहनत से के नाम है आज इतना फेमस गाँव बन चुका है। तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया। आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।